आपको मेल दिखाया था ये वाला, इसके लिए मैंने फीमेल पकड़ ली। ये जो ये मेल है अकेला, इसके साथ अब हम ये फीमेल छोड़ दें। ये हमने फीमेल छोड़ दी है, तो देख सकते हैं मैंने इस मुर्गी को बंद करा है क्योंकि लड़ गए थे और मैं लड़ाई दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन लग जाएगी। कैसे मजे से मट बात ले रहे हैं, और इन सबको मैं साथ इसलिए नहीं खोलते हम लोग क्योंकि ये आपको पता है असील ब्रीड है और ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है। भाइयों ये रहा वो सरप्राइज, ये मुर्गी ने ये तीन चूजे निकाले, तो ये है कि आज आपको अपना सेटअप टूर करवाएंगे और दिखाते हैं कि आप हमारे सेटअप में क्या क्या चेंजेस हैं, कुछ चीजें नई आई हैं। तो ये है कि आज आपको अपना पूरा सेटअप विजिट करवाएंगे। बाकी आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। तो सबसे पहले स्पेयर की अपडेट देखते हैं क्या अपडेट है। मेरे ख्याल में इन्होंने आज दोबारा से इस मुर्गी ने अपना, ये देखें माशाल्लाह अंडा दे दिया। ये इसका पहला अंडा, और ये अभी अभी दिया, इसमें काफ़ी गर्म हो रहा है, तो इसके अंडे अब हम दोबारा से कलेक्ट करेंगे। ये आज इसका फर्स्ट अंडा है, हम रख देते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर। तो इस पेयर को हम बाहर छोड़ देंगे, तो आप देख सकते हैं ये खोलते ही अपने डेस्टिनेशन पे चलेगा, और मैं दिखाता हूँ ये कहाँ गा। ये इतने भी मुर्गा मुर्गी हम जैसे खोलते हैं तो डायरेक्ट इधर आते हैं मट्टी में खेलने के लिए, मट बात लेने के लिए। और ये देख सकते हैं आप कैसे मजे से मट बात ले रहे हैं, और इन सबको मैं साथ इसलिए नहीं खोलते हम लोग क्योंकि ये आपको पता है असील ब्रीड है और ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है। तो ये मुर्गा है, आपको तो इसकी नस्ल पता है माशाल्लाह, ये हीरा ब्रीड का है, और इसके साथ जो फीमेल है भी हीरा क्रॉस ब्रीड हुई है, तो ये बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव होते हैं, तो इनको साथ खोल नहीं सकते। देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं, एक एक करके मैं एक एक पेयर को खोलता हूँ ताकि आराम से अपना एंजॉय कर लें, बाकी चले अंदर चलने सेटअप में। और जो कल के व्लॉग में आपने देखा था जिस कैट ने अटैक किया था, ये उसके बच्चे हैं, इनकी वजह से उसने हमारे सेटअप पर अटैक किया था। देख सकते हैं तीन बच्चे हैं वैसे तो, एक बच्चा पता नहीं कहाँ है, अब हम कुछ कह तो नहीं सकते, जाहिर सी बात है जानवर है। और ये है माशाल्लाह बहुत क्यूट, जबकि मैं इनको तीन टाइम दूध भी दे रहा हूँ तो, मगर फिर भी समझ नहीं आती, जानवर है उसकी नेचर में होता है जाहिर सी बात है। तो उसने अटैक किया अपने बच्चों के लिए किया होगा जाहिर सी बात है, तो कोई बात नहीं, जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी थी तो उतनी ज़िंदगी अपनी काटनी है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत क्यूट से बच्चे हैं, तो तीसरा भी जो है वो भी बहुत क्यूट है, ये वैसे देख रहा है ऐसे काफ़ी फ्रेंडली हो चुका है ये लोग। इसका कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा है वाले का, और दूसरा भी इसी तरीके का जो तीसरा है वो भी सेम ही कलर का है। चले सेटअप पे चलते हैं। तो देख सकते हैं बहुत बेताब हो रहे हैं, सबसे पहले इनको खोलते हैं चूजों को, ये बाहर आते हैं इनकी खुशी देख सकते हैं आप कितना खुश हो रहे हैं बाहर आते। तो पहले ये हमने गमले भी धोई दी, ये तोतों के लिए भी धोई है, तो कुछ ये भी खा लेते हैं, इंजॉय इनकी भी हो जाती है, तो ये खा लेते हैं, इनको उनकी डाइट देते हैं। उसके बाद बाकी पेरेंट तोतों वगैरह को, उनको भी अपनी डाइट देते हैं, इनका दाना पानी सबका चेंज करते हैं। तो देख सकते हैं ये पेयर अंदर आ चुका है, और इसको हम बंद कर देते हैं, इनको दाना पानी डाल देंगे। अब बारी है इस पेयर की, पेयर को बोलते हैं ये भी सीधा खोलते वही जाएगा, और ये हमने खोल दिया। बस ये ख्याल रखना है ये मुर्गी खुली हुई चूजों वाली, ये लड़ जाती है आपस में, जैसा मैंने आपको बताया असील ब्रीड बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव होती है, तो इस चीज़ का मुझे ख्याल रखना है। बस जैसे ही खुले इनको कमरे से बाहर करेंगे, और कमरे से बाहर करते हुए डायरेक्ट ये गेली में जाके अपना मट बात लेना शुरू कर देंगे। निकालता हूँ, ये आ गई मुर्गी, या जो मुर्गी। तो देख सकते हैं मैंने इस मुर्गी को बंद करा है,
ये लड़ गए थे और मैं लड़ाई दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन लग जाएगी। इसको बंद करने के बाद फिर वो पेयर वहाँ गया, तो देखें फिर मैंने पेयर को जोड़ नहीं किया। अभी आराम से अपना आधा घंटा एंजॉय करेंगे, इसके बाद फिर हम दूसरी मुर्गी हैं जो ब्रूडी हुई है चूजों के साथ उसको छोड़ेंगे, इनके बाद चले एंजॉय कर लें। अभी 2 से 3 मिनट में ये खेलना शुरू कर देंगे, ठीक है। मुर्गी खेलना शुरू हो गई है, मट्टी में मटबाज लेना शुरू कर दिए हम। तो आज मैं हफ्ते में एक दिन पानी देता हूँ, तो पानी में मेडिसिन डालता हूँ। तो सबसे पहले तो लाइसोवेट सीरप है, आपने इसका एक ढक्कन डाल देना। मैं तो 2.5 लीटर की पानी की बोतल है उसको फिल करता हूँ, और उसमें 1 ढक्कन लाइसोवेट का डालता हूँ, और विब्रामाइसिन कैप्सूल है। आपने ये विब्रामाइसिन कैप्सूल 1 कैप्सूल पूरी डाल देनी है, उसके बाद चेक करके फिर आपने अपने बर्ड्स को ऑफर करनी है। तो ये आपने हफ्ते में एक दफ़ा मेडिकेशन लाजमी करनी है, क्योंकि लाइसोवेट के अंदर वाइटामिन बी और वाइटामिन सी होता है, और विब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक है। तो ये जितने भी बर्ड हैं आपके उसको उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, और उसको लड़ने में बैक्टीरिया वगैरह से कोई भी बीमारी से हेल्प करेगी। तो चलें इनके पानी बदलता हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये पेयर भी आ चुका है मांस मल्ट बाद लेकर, इनका दाना पानी अंदर है, इनको अंदर करते हैं ताकि वह अपनी फीड खाएं। और ये देख सकते हैं जाते ही इन दोनों ने अपनी फीड खाना स्टार्ट कर दिया, इनको बंद करते हैं और फिर दूसरी मुर्गी को छोड़ते हैं ताकि वो जाए और अपना दाना पानी कर सके। तो ये जो सेपरेट मुर्गी रहती है इसको भी हमने छोड़ दिया, तो ये जो सेपरेट मुर्गी रहती है ये भी पहुंच गई है, देख सकते हैं ये अपना मट बाद ले रही है। इसके बाद लास्ट मुर्गी रह जाएगी वाइट वाली, जो हमारी सबसे पुरानी मुर्गी है, जो जिनकी ये सारी जितनी भी मुर्गियाँ हैं सब उसी की ब्रीड से, ये हम एक चूजा लाए थे उससे इतनी सारी मुर्गियाँ हो गई हैं हमारे पास। तो वो मैं इसके बाद दिखाऊंगा, और इसके साथ कुछ सरप्राइज है नन्हे मुन्ने, जो थंबनेल पे देख के आपको पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। आपको मेल दिखाया था ये वाला, इसके लिए मैंने फीमेल पकड़ ली, ये जो ये मेल है अकेला, इसके साथ अब हम ये फीमेल छोड़ दें, हमने फीमेल छोड़ दी है। और ये लग तो रहा है कि बॉन्ड बन जाएगा, मेल एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसकी भी स्पेयर की जब जो अपडेट होगी वो आपसे हम शेयर करेंगे, तो स्पेयर की क्या अपडेट है। तो चलते हैं अपने सरप्राइज की तरह, जिस सरप्राइज की बात की थी वो मुर्गी ये, और इसने हमें छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से चूजे निकाले, इसने रमजानों में ये अंडों पर बैठ गई थी। हम वो ब्लॉग बना नहीं सके क्योंकि सारी बात रमजान से तो टाइम मिला नहीं, और जिसके चूजे मंगवा आपको दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं गंदम भी हो रही है, चुटौतों के लिए भी हो रही है, तो उसको हम 24 घंटे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो ये आज भी हो रही है, तो कल के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, कल हम इसको तोतों को देंगे ऑफर करेंगे, और अब इसके चूजे दिखाते हैं आपको। भाइयों ये रहा वो सरप्राइज, ये मुर्गी ने ये 3 चूजे निकाले। तो सब परिंदों को दाना पानी हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं चूजे भी खा रहे हैं, मुर्गी भी खा रही है, और ये मुर्गा मुर्गी भी खा रहे हैं, और ये भी खा रही है। तो सब अपने मील को एंजॉय कर रहे हैं, ये देख सकते हैं तोते भी अपना मील खा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और रेड एगे किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।